Dear students, today we will continue reproduction in cycas. In my previous lectures, we discussed about the male and female reproductive organs of the cycas. We also discussed about the microsporogenesis and megasporogenesis. आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में. सो जो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली ये साइकस में दो स्टेजेस के अंदर होता है. पहली स्टेज होती है बिफोर पॉलिनेशन और दूसरी स्टेज होती है आफ्टर पॉलिनेशन. तो ये जो डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का, ये डेवलपमेंट शुरू होता है माइक्रोस्पोर्स से. तो जब बिफोर पॉलिनेशन जब माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो ये माइक्रोस्पोर्स किससे प्रोड्यूस हुए? पहली चीज़ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन से ये माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं. इनके स्पोर टेट्राड्स बनते हैं और एक माइक्रोस्पोर्स में मल्टीपल इन्फिनिट आपके नंबर्स होते हैं माइक्रोस्पोर्स के. छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो जाते हैं और ये माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. तो माइक्रोस्पोर का जो जर्मिनेशन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही शुरू हो जाता है. When the it is still enclosed in the microsporangium, और इस तरह के germination को कहते हैं in situ germination. और ये जो microsporangium के अंदर ही microspore germinate होना शुरू हो जाता है और germinate होकर के क्या बनाता है, male gametophyte बनाता है. तो यहाँ पर we can say male gametophyte का development जो है वो spore के अंदर ही शुरू हो जाता है. तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं एंडोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट. लेकिन ये जो डेवलपमेंट है जिसमें मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक होता है, तो यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट हुआ ये चूंकि माइक्रोस्पोर स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हाइल इट इज स्टिल एनक्लोज्ड इन द माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. और ये जो जर्मिनेशन शुरू हुआ मेल गैमेटोफाइट में, डेवलपमेंट शुरू हुआ ये बिफोर पॉलिनेशन जब हम बात कर रहे हैं, ये हम मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की बिफोर पॉलिनेशन बात कर रहे हैं. तो बिफोर पॉलिनेशन इसका डेवलपमेंट किस स्टेज तक होगा, अप टू थ्री सेल्ड स्टेज. तो थ्री सेल्ड स्टेज तक जब ये डेवलपमेंट होगा तब ये माइक्रोस्पोर्स डिसेमिनेट होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम से, यानी इनमें पॉलिनेशन होगा. तो माइक्रोस्पोर्स जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम में बने, इनमें पॉलिनेशन नहीं होता साइकस के अंदर. कब पॉलिनेशन होगा, जब वो थ्री सेल्ड स्टेज तक डेवलप हो जाएंगे तब इनमें पॉलिनेशन होता है. सो दिस इमेज शोज द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन. और ये डेवलपमेंट किससे शुरू हो रहा है, माइक्रोस्पोर से ये डेवलपमेंट शुरू हो रहा है. सो दिस इज द इमेज ऑफ द माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन ऑफ द साइकस, वेयर यू कैन सी ये यूनिन्यूक्लिएटेड बाईवॉल्ड स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन. और इसमें जो दो वॉल्स दिख रही हैं वो एक होती है एग्जाइन और दूसरी होती है इंटाइन. एग्जाइन इज थिकेंड लेयर एंड इंटाइन इज थिनर लेयर. और यहाँ पर जो एग्जाइन होती है ये यूनिफॉर्मली थिकेंड आपको नज़र आ रही है, बट इंटाइन जो होती है वो टू ऑपोजिट पोल्स से स्लाइटली थिकन होती है, बाकी ये थिन होती है. अब जब डेवलपमेंट शुरू होता है माइक्रोस्पोर का, तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर जो है उसकी सेल जो है वो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. इनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और एक छोटी लेंटल शेप्ड प्रोथेलियल सेल बनती है और एक बड़ी एंथ्रीडियल सेल बनती है. ये जो प्रोथेलियल सेल बनी ये फर्दर डिवाइड नहीं होगी. इसके बाद में जो फर्दर इसके अंदर जो एंथ्रीडियल सेल है ये डिवाइड होगी, और एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर के दो और सेल्स बना लेगी. वन इज ट्यूब सेल एंड अनदर इज जेनरेटिव सेल. तो एंथ्रीडियल सेल अगेन
दो सेल्स में डिवाइड होती है, एक जनरेटिव सेल और एक क्यूब सेल, दीज आर द टू सेल्स। ठीक है, अब कितनी सेल स्टेज हो गई, एक हो गई प्रोथेलियल सेल, एक हो गई जनरेटिव सेल, एक हो गई ट्यूब सेल, तो ये कितनी सेल स्टेज हो गई, दिस इज द थ्री सेल स्टेज। एट दिस थ्री सेल स्टेज पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर जो है और या मेल गेमिटोफाइट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस थ्री सेल स्टेज पे अब ये डिसेमिनेट होंगे, किससे, माइक्रोस्पोरेंजियम से। और जिस समय ये जैसे ही माइक्रोस्पोर्स थ्री सेल स्टेज पे आ जाएंगे, तो ये जो मेल कोन है, यहाँ दिस इज द इमेज ऑफ द मेल कोन वेर यू कैन सी लॉट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, और माइक्रोस्पोरोफिल्स की मैंने आपको बताया था कि जो एबैक्सियल सरफेस यानी लोअर सरफेस होती है, इस पर बहुत सारे सोराई लगे होते हैं, और उन सोराई के अंदर, सोराई क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, और वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स अब फुली डेवलप हो गए हैं, और वो माइक्रोस्पोर्स जो है डिसेमिनेशन की स्टेज आ गई है, पॉलिनेशन की स्टेज आ गई है, तो इस कोन का जो सेंट्रल एक्सिस है, ये जो बीच का जो सेंट्रल एक्सिस है, इट इंक्रीजेज इन हाइट, इसकी हाइट बढ़ने लगती है, और हाइट जब बढ़ती है तो क्या होगा, ये जितनी भी माइक्रोस्पोरोफिल्स इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ये लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, और ढीली होने से क्या होगा, इनकी जो लोअर और एबैक्सियल सरफेस है, यू कैन सी ये जो सरफेस है, ये सारी एबैक्सियल सरफेस है, तो यहाँ पर लूज होने के कारण एबैक्सियल सरफेस क्या है, आपकी एक्सपोज हो गई है, हवा के कांटेक्ट में आई है, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है वो डिहाइज हो जाती है, और ये माइक्रोस्पोर्स हवा में रिलीज हो जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ अ एयर, विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ एयर। तो पॉलिनेशन जो होगा वो एनिमोफिलस टाइप का होगा। तो नाउ यू कैन सी द पॉलिनेशन इज एनिमोफिलस टाइप इन साइकस। ओके, और अब जो चेंजेस होंगे, एक चेंज तो मैंने बताया, क्या चेंज हुआ, मेल कोन की लंबाई बढ़ी सेंट्रल एक्सिस की, और उससे माइक्रोस्पोरोफिल्स लूज हुए, और माइक्रोस्पोरेंजिया के डहिसंस से माइक्रोस्पोर्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए। और दूसरा चेंज जो होगा वो चेंज होगा कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यानी ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम में चेंज होगा। और वो चेंज क्या होगा, जो मेगास्पोरेंजियम होगा, उस मेगास्पोरेंजियम में जो अंदर न्यूसेलर बीक होती है, उसकी सेल्स डिसऑर्गेनाइज होंगी और डिसइंटीग्रेट होंगी, और डिसइंटीग्रेट होकर के वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो लिक्विड जो है इट ऊजेज आउट इन द फॉर्म ऑफ अ म्यूसिलेज ड्रॉप फ्रॉम द माइक्रोपाइल। और ये जो म्यूसिलेज ड्रॉप जो ऊज आउट हुई, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन ड्रॉप। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन ड्रॉप। तो पॉलिनेशन ड्रॉप जो बनी वो किससे बनी, न्यूसेलर बीक की जो सेल्स हैं उनके डिसइंटीग्रेशन से बनी। और ये जो पॉलिनेशन ड्रॉप जब आकर के ऊज आउट हो जाती है माइक्रोस्पोरेंजियम के, माइक्रोपाइल के बाहर ये ड्रॉप बबल के फॉर्म में निकल जाती है, तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो माइक्रोस्पोर्स, जो कि बिल्कुल लाइट वेट माइक्रोस्पोर्स हैं, वो जब हवा एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ एयर और हवा के द्वारा वो इस पॉलिनेशन ड्रॉप में एंटेंगल हो जाते हैं। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेज, एंटेंगलिंग ऑफ थ्री सेल्ड माइक्रोस्पोर्स इन दिस पॉलिनेशन ड्रॉप। और ये पॉलिनेशन ड्रॉप में जब माइक्रोस्पोर्स जब एंटेंगल हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, उसके बाद ये माइक्रो पॉलिनेशन ड्रॉप जो है ड्राई होना शुरू करती है। और जैसे ही वो ड्राई होना शुरू करती है, तो जितने माइक्रोस्पोर्स जो उसके ऊपर चिपके थे वो उस माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर की ओर सकिन हो जाते हैं। कहाँ पे, पॉलन चैम्बर के अंदर सकिन हो जाते हैं। और जो ड्रॉप थी उसके ड्राई होने से जो माइक्रोपाइल है वो सील हो जाता है, और सारे के सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं वो अब कहाँ आ जाते हैं, पॉलन चैम्बर के अंदर आ जाते हैं। तो यू कैन सी दिस इज़ एन
ovule of a cycas rhamphae with pollination drop and pollen grains. ये आप देख रहे हो यहाँ पर, this is the ovule. और इस ovule के ऊपर ये जो structure आपको दिख रहा है ये pollination drop है, जिसमें ये छोटे छोटे dot dot आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे dots आपको जो दिख रहे हैं, ये सारे dots जो हैं ये क्या हैं, these are pollen grains. ओके, तो इस तरह से pollen grains जो है pollination drop पे आकर के by means of air ये चिपक जाते हैं, और उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है आफ्टर पॉलिनेशन किसका, मेल गेमिटोफाइट का. तो मेल गेमिटोफाइट का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, ये पॉलन ग्रेन्स जब पॉलन चैम्बर में आ जाते हैं और उस पॉलन चैम्बर की सरफेस के ऊपर यानी न्यूसेलर सरफेस ऑफ द ओव्यूल पे जब वो आ जाते हैं, तब इनमें आगे का थ्री सेल्ड स्टेज के बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो शुरू होता है. अब क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो पॉलन चैम्बर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं, और स्वेलअप होने से उनकी एग्जाइन जो होती है इट ब्रेक्स अप. एग्जाइन क्या होगी, इट ब्रेक्स अप. और इंटाइन जो होगी इट कम्स आउट फ्रॉम माइक्रोस्पोर एंड पेनिट्रेट्स न्यूसेलर टिश्यू. और ये पेनिट्रेट कैसे करेगी न्यूसेलर टिश्यू में, क्या चीज इंटाइन किस किस के फॉर्म में इट कम्स आउट फ्रॉम द माइक्रोस्पोर, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलन ट्यूब. तो यहाँ पर अब जब माइक्रोस्पोर्स जब पॉलन चैम्बर में आ जाते हैं तो विद इन अ वीक इनमें फर्दर डेवलपमेंट मेल गेमिटोफाइट का शुरू हो जाता है आफ्टर पॉलिनेशन वाला. और इनमें दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आते हैं, पहला एक तो एग्जाइन बर्स्ट होती है और इंटाइन से बाहर निकलती है, और जो ट्यूब सेल होती है जो तीन सेल्स मैंने बताई थी आपको, उस तीन सेल्स के अंदर एक तो थी ट्यूब सेल, दूसरी थी जनरेटिव सेल और तीसरी थी प्रोथेलियल सेल. तो ट्यूब सेल से डेवलप होती है पॉलन ट्यूब, और जनरेटिव सेल जो होती है उससे दो सेल्स बनती हैं, एक स्टॉक सेल और दूसरी होती है बॉडी सेल. प्रोथेलियल सेल एज इट इज़ पड़ी हुई रहती है. ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस, टू इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन इन द पॉलन चैम्बर. ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड और इमेज वेयर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन. और ये आफ्टर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है उसमें ये डेवलपमेंट जो होता है ये मैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि विद इन अ वीक ये डेवलपमेंट होता है. और उसमें क्या होता है, प्रोथेलियल सेल एज इट इज़ पड़ी रहती है, और जो जेनरेटिव सेल थी उस जेनरेटिव सेल से दो सेल्स बन गई, ट्रांसवर्सली वो डिवाइड हुई और क्या बना, वन इज स्टॉक सेल एंड अनदर इज बॉडी सेल. दोनों साइड बाय साइड इस तरह से अरेंज होती है, और जो ट्यूब सेल थी उस ट्यूब सेल से क्या डेवलप हुआ, ट्यूब सेल से ये पॉलन ट्यूब डेवलप हो गई, एग्जाइन क्या हुई, बस्ट हो गई. ओके, अब जब इस स्टेज पे जब मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, स्टॉक सेल और बॉडी सेल बन जाती है, पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है ट्यूब सेल से, अब फर्दर जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली जस्ट ऑनसेट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन में करीब 4 महीने का समय लगता है. तो जो पॉलन ट्यूब होती है ना, इट पेनिट्रेट्स, क्या होगा, पॉलन चैम्बर में ये पॉलन ट्यूब डेवलप हुई, और ये पॉलन ट्यूब जो न्यूसेलर टिश्यू है उसको डाइजेस्ट करते हुए उसको उसमें पेनिट्रेट होती जाती है, और कहाँ पहुँच जाती है, आर्चिगोनियल चैम्बर तक पहुँचती है. तो यहाँ पर पॉलन ट्यूब का जो काम है वो ये सिर्फ एक एजेंट के फॉर्म में काम नहीं कर रही है, जो कि फर्टिलाइजेशन एजेंट का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर इसका दूसरा काम है, यहाँ पर इट एक्ट लाइक अ होस्टोरियल. किस तरह से काम कर रही है, इसका होस्टोरिया की तरह ये काम कर रही है, होस्टोरियल इसका नेचर हो गया. तो ट्यूब सेल का काम सिर्फ एक माध्यम नहीं है कि वो मेल गेमिट्स को वहाँ तक पहुँचाए, फीमेल गेमिट तक, ये होस्टोरियल नेचर की भी हो सकती होती है साइकस में,
बाकी बाकी जो कोनीफर्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं उसके अंदर ये जस्ट लाइक अ एजेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये एक्ट करती है, पॉलन ट्यूब। ओके, अब जब ये पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट हो गई, कहाँ पे तक पहुँच गई, आपके आर्चिगोनियल चैम्बर तक पहुँच गई। अब जैसे ही आर्चिगोनिया के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस समय बिल्कुल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, उस टाइम पर इसमें जो बॉडी सेल होती है, इस बॉडी सेल में फर्दर चेंजेस स्टार्ट होते हैं। और वो फर्दर चेंजेस क्या होते हैं, इस बॉडी सेल के अंदर जो ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के दोनों तरफ ब्लेफेरोप्लास्ट डेवलप हो जाते हैं। और ये ब्लेफेरोप्लास्ट क्या होते हैं, बेसिकली ये ब्लेफेरोप्लास्ट में सेंटर के चारों तरफ रेडिएटिंग फाइब्रिल्स होते हैं, और ये रेडिएटिंग फाइब्रिल्स जो होते हैं, इन ब्लेफेरोप्लास्ट की सहायता से ये आपका एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होंगे जो कि मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर दो ये क्या डेवलप हो गए, ये दो ब्लेफेरोप्लास्ट डेवलप हुए। ओके, अब नाउ ये जो न्यूक्लियस है जिसके दोनों पोल्स के ऊपर ये ब्लेफेरोप्लास्ट डेवलप हुए हैं, ये अब नाउ ये न्यूक्लियस ऑफ दिस बॉडी सेल डिवाइड्स लॉन्जिट्यूडनली इनटू टू सेल्स। क्या होगा, एक सेल में हाफ ऑफ द न्यूक्लियस आएगा, दूसरे सेल में दूसरा न्यूक्लियस आएगा, और दोनों सेल्स के अंदर एक एक ब्लेफेरोप्लास्ट भी आ जाएंगे। तो इस तरह से जो आपकी जो ये बॉडी सेल है वो अब टू सेल्स में डिवाइड हो गई, और इसमें यू कैन सी ब्लेफेरोप्लास्ट हियर, इट इज़ ब्लेफेरोप्लास्ट, यहाँ पे बनाए हुए नहीं थे इस डायग्राम में लेकिन लिखा हुआ है। सो दीज आर द टू ब्लेफेरोप्लास्ट जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर दो सेल्स बन गई, इस तरह से टू सेल्स डेवलप हो जाती है, जिसके एंड्स जो होते हैं वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं, और हर सेल के अंदर दो ब्लेफेरोप्लास्ट होते हैं। और ये ब्लेफेरोप्लास्ट जब ये दो सेल्स बन गई, अब ये दे ब्रेक डाउन इन ग्रेन्यूल्स, और बाद में जब इनसे दो स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं, तो इन ग्रेन्यूल से ये स्पाइरली अरेंज आपके, ये आपको यू कैन सी द फ्लैजिला, यहाँ पे ब्लेफेरोप्लास्ट जो है इनसे क्या डेवलप हो गए, इस पर ये फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से दो एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं जो कि टॉप शेप्ड होते हैं, ये स्पर्म्स या एंथ्रोजॉइड्स है, तो इनका आकार कैसा होता है, टॉप यानी लट्टू के आकार का, जिस पर स्पाइरली अरेंज फ्लैजिला यू कैन सी। तो इन दिस मैनर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस आफ्टर पॉलिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ टू एंथ्रोजॉइड्स टेक्स प्लेस। यहाँ पर जो साइकस के एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, दे आर लार्जेस्ट इन द प्लांट, लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट मेल सेल इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट, किस तरह से माइक्रोस्पोर्स से ये दो एंथ्रोजॉइड्स डेवलप होते हैं। इन ब्रीफ यू कैन सी माइक्रोस्पोर्स से दो सेल्स बनी, वन इज प्रोथेलियल सेल, अनदर इज एंथ्रीडियल सेल। एंथ्रीडियल सेल इज लार्जर इन साइज, प्रोथेलियल सेल इज स्मॉलर इन साइज। देन एंथ्रीडियल सेल डिवाइड्स इन जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। ओके, और ये जो थ्री सेल्ड स्टेज है, इस थ्री सेल्ड स्टेज के ऊपर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, उसके बाद में पॉलन ट्यूब डेवलप होगी, फर्दर डेवलपमेंट जो होगा मेल गैमेटोफाइट का वो आगे जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन होगा। ट्यूब सेल से पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, और जो जनरेटिव सेल है उससे स्टॉक सेल और बॉडी सेल डेवलप हो जाएगी, और जस्ट ऑनसेट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये बॉडी सेल से दो सेल्स बनेगी, जिसे कहेंगे स्पर्म मदर सेल और एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। तो दीज आर द टू एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स जिनसे दो एंथ्रोजॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन साइकस।